मुख्यमंत्री कह रहे हैं मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए, पैसा लगाइए, क्यों कह रहे हैं? और मुख्यमंत्री बहुत कम समय में देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और निवेशकों से कह रहे हैं आइए मध्य प्रदेश में पैसा लगाइए। अभी कहां की खबर बताने वाला हूं आपको, चलिए पूरी खबर बता देता हूं। बधाई हो मध्य प्रदेश, फिर से आपके लिए आज एक खुशखबरी आई है। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ बेहतर ही करके आते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में लोग खुश रहें, धन धान से भरे रहें। यही वजह है कि एक महीने के अंदर सीएम डॉक्टर मोहन यादव 3 राज्यों में इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करके 81,700 करोड़ निवेश का प्रस्ताव ले आए। 81,700, ये जो नंबर है, ये मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में उद्योगपतियों से मिलकर बातचीत करके निवेश का प्रस्ताव ले आए, ये आ गया है मध्य प्रदेश में, आने वाला है। मुंबई में पिछले महीने 13 जुलाई को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से बातचीत की और इन्वेस्टर को मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर और सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी, और इसी सेशन में उद्योगपतियों ने 75,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा और तो और जबलपुर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए भी न्योता दिया। इसके बाद 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ जिसमें 22,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव आया। बस देखते जाइए, अगर आपका मुखिया चाहे तो आपको कितना कुछ मिल सकता है, कितनी सौगातें मिल सकती है आपके प्रदेश को। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 25 जुलाई को डॉक्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे। कोयम्बटूर इंटरेक्टिव सेशन में 1200 निवेशकों ने मध्य प्रदेश में 3500 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। भोपाल में अगले साल यानी 7 और 8 फरवरी 2025 को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने का न्योता भी दिया और कोयम्बटूर में मध्य प्रदेश उद्योग कार्यालय खोलने का भी वादा किया। और अब मुख्यमंत्री 2 दिन के बेंगलुरु दौरे पर हैं। कल सीएम ने HAL का दौरा किया, स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस में सवार हुए और पूरे देश को ये संदेश दे दिया कि अब मध्य प्रदेश आसमान में उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बेंगलुरु में इंटरेक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश में 3200 करोड़ निवेश का प्रस्ताव आया। इस मौके पर IT, टेक्सटाइल, फार्मा जैसे उद्योग सेक्टर के उद्योगपतियों ने शिरकत की। जब भी आप किसी को अपने यहाँ बुलाते हैं तो सबसे पहले उसे अपने यहाँ की खासियत बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया ने भी यही किया, इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश की खासियत बताई। सुनिए मुख्यमंत्री क्या बता रहे हैं, सुनिए। जब वर्तमान में आज मध्य प्रदेश अपने सरप्लस एनर्जी स्टेट के नाते से जाना जाता है और उसमें भी 23% नवकरणीय ऊर्जा है। हमारे अपने परंपरागत स्रोत के बजाय ये जो हमारी नवकरणीय ऊर्जा की जो महत्ता है और उससे भी आगे जाए, कौन सा सेक्टर है, टूरिज्म का है और MSME के, हमारे PS ने बहुत अच्छी बात रखी, इंडस्ट्री की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। फूड इंडस्ट्री की भी बात करें तो जैसे आपने बताया कि अब ये धान का कटोरा देश का हो गया, तो बहुत बड़ी संभावना है। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन काफी समय हो गया। हम पत्र लिखते हैं और पत्र लिखते तो पहले, आजकल तो पत्र का जमाना कम हो गया, पहले लिखते थे तो उसमें पूरी कहानी लिखते और लिखते लिखते जब अपन आखिरी बात करते कि अब आगे क्या लिखे, आप खुद समझदार है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात। सीएम कह रहे हैं आखिर में चिट्ठी में लिखा जाता है, बाकी आप समझ ही रहे हैं। इसी तरह मंद मंद मुस्कुराते हुए सीएम ने निवेशकों को मध्य प्रदेश की खूबियां गिना दी। मुख्यमंत्री यहां 30 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग की। इस दौरान इंफोसिस, कॉग्निजेंट, TCS समेत कई बड़ी IT कंपनी को MP में निवेश के लिए न्योता दिया और इसी महीने 28 तारीख को ग्वालियर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए भी न्योता दिया है। सुना दीजिए। इसी महीने 28 तारीख को हमारे रीजनल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाली है, वहाँ भी मैं आने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आने वाली फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव होने वाली है। कुल मिलाकर के निवेश के लिए लगातार माहौल बन रहा है। मैं पिछले महीने कोयम्बटूर गया था, उसके बाद मुंबई गया था, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हम दौरा कर रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात तो यही है, मध्य प्रदेश में खूब पैसे आने वाले हैं, निवेशक आएंगे तो कंपनियां लगेंगी, रोजगार बढ़ेंगे, घर मकान दुकान के दाम भी बढ़ेंगे और सुनिए आपकी जो जमीन है उसके भी दाम बढ़ेंगे।